लियोनार्डो दा विंची की शीर्ष 10 प्रसिद्ध पेंटिंग। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्विच द बेल बटन ऑन। संख्या 10 GINEVRA द BENCI 1474 से 1478 तक चित्रित है। दा विंची की महिलाओं की यह केवल चार पेंटिंग में से एक है। गाइनरा डी बेनिकी, जो एक प्रसिद्ध युवा फ्लोरेंटाइन महिला है, को सार्वभौमिक रूप से चित्र की बैठने वाला माना जाता है। लियोनार्डो ने 1474 और 1478 के बीच फ्लोरेंस में चित्र चित्रित किया। संभवतः 16 साल की उम्र में लुइगी डी बनाडो निकोलिनी के लिए गिनेवरा की शादी को मनाने के लिए। नंबर 9, मैगी का संग्रह 1481 में चित्रित किया गया है। दा विंची का यह पहला प्रतिष्ठित आयोग था। यह उसे सेंट डोनेटो के अगस्टिनियन भिक्षुओं द्वारा दिया गया था। हालांकि पेंटिंग अधूरी रही क्योंकि लियोनार्डो अगले साल मिलान के लिए रवाना हो गए। अधूरी कृति में वर्जिन मैरी और बाल जीसस को मैगी के साथ आराधना करते हुए और उनके आसपास के लोगों के समूह को दर्शाया गया है। पृष्ठभूमि में एक बुतपरस्त इमारत की मरम्मत की जा रही है, जबकि दाईं ओर घोड़े पर पुरुष लड़ रहे हैं। जटिल दृश्य लियोनार्डो की पहली बड़ी रचना थी, जिसमें कई आंकड़े थे और कई पहलुओं को जोड़ती है, जिसके लिए वह प्रसिद्ध है। संख्या 8, अनंसिएशन 1472 से 1475 तक चित्रित है। विषय वस्तु बाइबल, UK 1.26 से 39 से खींची गई है। इस पेंटिंग में वर्जिन मैरी को द आर्कॉन्गेल गैब्रियल द्वारा दौरा किया गया है, जो भगवान द्वारा उसे यह घोषणा करने के लिए भेजा गया है कि वह चमत्कारिक रूप से गर्भ धारण करेगी और यीशु को जन्म देगी। यह विषय कलाकृतियों के लिए बहुत लोकप्रिय था और पुनर्जागरण के दौरान कई बार चित्रित किया गया था। नंबर 7, ST जॉन बैपटिस्ट 1513 से 1516 तक चित्रित है। कार्य में जॉन बैपटिस्ट को अलगाव में दर्शाया गया है, चियांक्रूरों के उपयोग के माध्यम से आकृति छायादार पृष्ठभूमि से उभरती दिखाई देती है। संत को पेल्स पहनाया जाता है, लंबे घुंघराले बाल होते हैं और लियोनार्डो की प्रसिद्ध मोना लिसा की याद दिलाते हुए एक गूर तरीके से मुस्कुराते हैं। वह अपने बाएं हाथ में एक ईक पार रखता है, जबकि उसका दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर इंगित करता है, जैसे कि लियोनार्डो के वेलिंगटन हाउस कार्टून में सेंट एनी की तरह। संख्या 6, ROCKS का मार्ग 1483 से 1486 तक चित्रित है। यह दा विंची द्वारा दो लगभग समान चित्रों का पहला और अधिक प्रसिद्ध संस्करण है, जिसे एक ही शीर्षक दिया गया है। यह उस क्षण को दर्शाती है जब शिशु जॉन बैपटिस्ट एक स्वर्गदूत से बचकर मैडोना और बच्चे यीशु के मिस्र से घर लौटते हुए आता है। चित्रित दृश्य में जॉन यीशु को मसीह के रूप में पहचानता है और उसकी पूजा करता है। यह पेंटिंग एक शानदार परिदृश्य में टम्बलन रॉक और भंवर पानी के परिदृश्य को प्रस्तुत करती है, जहां से इसे इसका नाम मिलता है। लियोनार्डो शानदार ढंग से दृश्य के दूरदर्शी स्वभाव पर जोर देता है, जिसमें कोमल रंग के स्वर होते हैं, मंद प्रकाश में आकृतियों को स्नान करते हैं जो गुफा से निकलते हैं, और भावों में शांति होती है।
नंबर 5 ANMEN के साथ लेडी 1489 से 1490 पर चित्रित है। यह दा विंची द्वारा महिलाओं के केवल 4 चित्रों में से एक है और मोना लिसा के बाद सबसे प्रसिद्ध है। इस चित्र में सिसिलिया गैलरानी, संरक्षक लुडोविको सोरजा की मालकिन, ड्यूक ऑफ मिलान शामिल हैं। यह कार्य मानव रूप को चित्रित करने में लियोनार्डो की विशेषज्ञता का एक प्रमुख उदाहरण है। इसे सिसिलिया के बहिर्मुखी हाथ में देखा जा सकता है। लियोनार्डो प्रत्येक नख पर बहुत ध्यान देता है, प्रत्येक उसके पो के चारों ओर झुर्रियां और यहां तक उसकी मुड़ी हुई उंगली में कंडे के फ्लेक्सिंग को कवर करता है। पोर्ट्रेट का सबसे प्रसिद्ध पहलू यह है कि इसके सफेद सर्दियों के कोट में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। शगुन शुद्धता का एक पारंपरिक प्रतीक था और दा विंची ने कहा कि यह मिट्टी के बजाय मरने के लिए पसंद करता है। मॉडल के साथ पवित्रता के संबंध सहित शुक्राणु के महत्व की कई व्याख्याएं हैं। लुडोविको को ऑर्डर ऑफ द इर्मिन का सदस्य होने के नाते और यह सिसिलिया की गर्भावस्था का प्रतीक है। संख्या 4 साल्वेटो मुंडी को लगभग 1500 में चित्रित किया गया है। साल्वेटो मुंडी सी पर एक पेंट है। 1500 पेंटिंग में पुनर्जागरण की पोशाक में यीशु को दर्शाया गया है अपने दाहिने हाथ से क्रॉस के चिन्ह को बनाते हुए अपनी बाईं ओर एक पारदर्शी गैर अपवर्तक क्रिस्टल बॉल पकड़े हुए अपनी भूमिका को साल्वेटो मुंडी के रूप में इंगित करते हुए और आकाश के आकाशीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। संख्या 3 लाल रंग में एक आदमी का पेंट 1512 पर चित्रित है। यह लियोनार्डो दा विंची का एकमात्र जीवित आत्मा चित्र है। यह एक बूढ़े बुद्धिमान दिखने वाले आदमी को दिखाता है जिसकी लंबी दाढ़ी और बाल हैं, जो दर्शकों को घूर रहा है। शायद इस वजह से यह एक पॉलीमिथिया पुनर्जागरण पुरुष के रूप में लियोनार्डो का एक प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व बन गया है और इसलिए असंख्य बार प्रजनन किया गया है। नंबर 2 सबसे बड़ा सपेर 1495 से 1498 तक चित्रित है। यह पेंटिंग अपने शिष्यों के साथ द लास्ट सपर के यीशु के दृश्य का प्रतिनिधित्व करती है। लियोनार्डो ने यीशु के शिष्यों के बीच होने वाली घबराहट और भ्रम को दर्शाया है जब वह घोषणा करता है कि उनमें से एक उसे धोखा देगा। लियोनार्डो के शरीर रचना विज्ञान, प्रकाश वनस्पति विज्ञान और भूविज्ञान का विस्तृत ज्ञान, उसकी अभिव्यक्ति और हाव भाव में मनुष्य कैसे भावनाओं को पंजीकृत करता है और उसके स्वर का सूक्ष्म उन्नयन, सभी इस पेंटिंग को सभी समय के सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध कार्यों में से एक बनाते हैं। कुछ लोगों का मानना कि पेंटिंग में जीसस के दाईं ओर का व्यक्ति जॉन द एपोस्टल नहीं है बल्कि मैरी मैगडलीन नाम की महिला है। यह विश्वास डेन ब्राउन के कथा उपन्यास द दा विंची कोड में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। संख्या 1 मोना लिसा लगभग 1503 से 1506 और लगभग 1517 पर चित्रित है। मोना लिसा को सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, सबसे का दौरा किया, सबसे अधिक के बारे में लिखा गया है, के बारे में सबसे अधिक गाया जाता है और दुनिया में कला के सबसे पैरोडी के रूप में काम किया गया है। इसकी प्रसिद्धि विशेष रूप से महिला के चेहरे पर मायावी मुस्कान पर टिकी हुई है, इसीलिए इसे ला जियोकोंडा या हंसी के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रारंभिक जीवनी लेखक के खातों के आधार पर पेंटिंग लिसा घेरार्दनी की तस्वीर है।
जो एक व्यापारी की वास्तविक जीवन की पत्नी है। दा विंची के लिए मोना लिसा हमेशा के लिए प्रगति में एक काम थी, क्योंकि यह पूर्णता में उनका प्रयास था। पेंटिंग कभी भी अपने आयुक्त को नहीं दी गई थी, उन्होंने इसे अपने जीवन के अंत तक अपने पास रखा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इतिहास में एक पेंटिंग के लिए सबसे अधिक बीमा मूल्य के रूप में मोना लिसा को सूचीबद्ध करता है। I hope you like the video. Please like and share. Thank for watching.